हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस एकेडमी। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट रियल एनालिसिस और यूनिट 3। तो जैसे यूनिट 2 हमने दो पार्ट्स में कंप्लीट किया था, तो यूनिट 3 भी बहुत ही बड़ी है। और किसी भी टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते, सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इसे भी दो पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। और यदि हमें लगा कि ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो हम तीन पार्ट में करेंगे। तो आप देखना यूनिट 3 पार्ट 1, यूनिट 3 पार्ट 2 एंड यूनिट 3 पार्ट 3, इस तरीके से वीडियोस आएंगे। तो शुरुआत करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शन से। इसमें हमें पढ़ना है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शन, जहाँ पे अभी पहली डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट हमने पहले देख लिया है, अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है। तो सपोज एफ एन, जहाँ पे एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है, इज अ सीक्वेंस। हमने एफ एन को क्या लिया, एक सीक्वेंस, और सीक्वेंस को हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन सेट ई। है ना, एफ एन एक सीक्वेंस है उन फंक्शंस का जो ई को डिफाइन करते हैं। एंड सपोज दैट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एफ एन एक्स कन्वर्जिस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई इफ। है ना, एक्स जो एफ एन एक्स जो है हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो है वो कन्वर्जिस होगा कब, यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है ई को, यानी एन टेंस टू इनफाइनाइट पर एफ एन एक्स, यानी एफ इन्फिनिटी एक्स जो है वो एफ एक्स हो जाए। यदि अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे कि जो एफ एन एक्स है वो कन्वर्जेंस है। तो अब हम आते हैं हियर, एफ एक्स इज कॉल्ड लिमिट, जिसे हम लिमिट कहते हैं, और लिमिट को एल आई एम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो एफ एक्स है वो लिमिट कहलाएगा ऑफ एफ एन एक्स, और वी से दैट एफ एन एक्स कन्वर्जिस टू एफ पॉइंट वाइज। है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो लिमिट है, या फिर हम कह सकते हैं कि एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्जिस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जिस। ठीक है, सिमिलरली इफ समीशन एफ एन एक्स कन्वर्जिस टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई, देन एफ एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 to infinite एफ एन एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है ई को। हियर सॉरी हैंस एफ इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज, क्योंकि समीशन लगाए तो सम ही होता है। एफ इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज समीशन एफ एन एक्स, दस इफ एफ इज द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स डिफाइन ऑन ई। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू जीरो एंड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ई, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन। है ना, वहाँ पे एक इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा, किस प्रकार से, सच दैट, किस प्रकार से, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, स्मॉल एन बिलोंग्स ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, अ सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स। है ना, फिर से हमने एक सीक्वेंस लिया एफ एन एक्स, अ सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स जहाँ पे एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी डिफाइन ऑन सेट ई कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन ई टू अ फंक्शन एफ। है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा ई पर फंक्शन टू द फंक्शन एफ इफ, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ यदि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर टू जीरो देयर इज एन इंटीजर एन डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। है ना, ये ब्रैकेट में लिखा है कि जो इंटीजर एन होगा वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, सच दैट, किस प्रकार से होगा, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन, जहाँ पे एन इज लेस और इक्वल टू एन, एक्स बिलोंग्स टू ई। यहाँ पे देखो हमने एन जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एन था, यहाँ पे स्मॉल और इक्वल टू एन है, है ना, एक्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। इट इज क्लियर दैट एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखो वही कंडीशन लग रही है, तो हम कहेंगे कि क्लियर हो चुका है कि जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है वो कैसा होता है, पॉइंट वाइज
यूनिफॉर्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे जो कि इम्पॉर्टेंट है ना। शो दैट एफ एन एक्स कन्वर्जेस, हमें शो करना है कि एफ एन एक्स कन्वर्जेस है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ऑन आर वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स एन एक्स स्क्वायर। तो अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। गिवन दैट, हमें दिया क्या है कि एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब लेट, हमने मान लिया कि एफ एक्स क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, यही है हमने माना कि लिमिट एफ एक्स है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, है ना। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं एफ एन एक्स की, तो एफ एन एक्स क्या है, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिमिट जो है हमारी एन की जगह पर इन्फिनिटी वो रख देते हैं, तो एक्स अपॉन इन्फिनिटी, है ना। और किसी भी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी होता है उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो एफ एक्स क्या हो गया, ज़ीरो। क्लियरली क्लियर हो गया आपको एफ एक्स क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो फिर हमने इस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी और फिर एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप कर दी और एक्स अपॉन इन्फाइनाइट हो गया। तो हमने कहा कि यदि किसी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें ज़ीरो मिल गई। फिर वाई इक्वल टू क्या है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, है ना। फिर से वैल्यू रखते हैं एफ एन एक्स की, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स, हमने ज़ीरो फाइंड किया है, ये ज़ीरो। वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। सो फॉर मैक्सिमम, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो वाई का किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन जब हमको पता है कि अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को रखते हैं सेम, करते हैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वन आया, माइनस जो एक्स है उसको एज इट इज़ रखा, और वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन किया तो वन तो हो गया ज़ीरो, और एन एक्स स्क्वायर का किया तो टू आगे आ गया टू एन एक्स, है ना। अब डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही होगा, इसलिए मैंने आपको सिंपली बता दिया, अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, वैसे ही इलेवेंथ की चीज़ है। तो ज़ीरो इक्वल टू वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, इस वन का सब मैं इंटू कर दिया तो वही का वही, माइनस का माइनस, और ये हो गया टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ज़ीरो इक्वल टू, ज़ीरो तो हमारा चल ही रहा है साथ में, तो ज़ीरो इक्वल टू देखो माइनस टू एन एक्स स्क्वायर में से एक एन एक्स स्क्वायर माइनस हुआ तो बचा एन एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये देखो इसको हम वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो वन की जगह हमने लिख दिया वन का स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी लगाने पे हमें मिला एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट एन। इट इज़ क्लियर दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज़ पॉजिटिव। अब डी टू अगर हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव मिलेगा, जबकि एक्स क्या है प्लस माइनस वन अपॉन रूट एन। हैंस मैक्सिमम ऑफ वाई, मैक्सिमम ऑफ वाई क्या हो गया, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू जब पुटअप की एक्स की तो हो गया वन अपॉन रूट एन अपॉन वन प्लस रूट एन, है ना। और ये वन है, देखो ये क्या है, एक्स की जगह हमने रखा वन प्लस रूट एन अपॉन में वन, तो वन का वन ही लिखा ये पूरा, और एन एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एन की जगह एन, ये वाला एन है ये एन, और एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन रूट एन का स्क्वायर एन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया वन अपॉन एन स्क्वायर था इसलिए ये रूट का स्क्वायर हो गया, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एन बचा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, वन प्लस वन, तो वन अपॉन में टू, और ये रूट एन नीचे आ गया और नीचे वन प्लस वन क्या हो गया टू, तो वन अपॉन टू रूट एन। नाउ एम एन इक्वल टू क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स जहाँ पे बिलोंग करता है आर को, मैक्सिमम ऑफ वाई, तो एम एन की वैल्यू क्या निकली हमारी, वन अपॉन टू रूट एन, टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट रख दो एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन बाय एम एन टेस्ट, है ना, एम एन टेस्ट एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन आर, तो
तो अब हम कह रहे हैं कि देन जो एमएन टेस्ट है वो हमारा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है आर पर, ठीक है। तो ये वाली इस तरीके से प्रूव किया हमने, क्वेश्चन था ये, थ्योरम नहीं क्वेश्चन था। अब देखिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर हम आते हैं जिसका नाम है कॉशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है, कॉशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा राइट, कॉशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो आपको स्टेटमेंट भी खुद करना है, प्रूफ भी खुद ही करना है, स्टेटमेंट भी आपको याद करना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन डिफाइंड ऑन ई कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ़, है ना, ये आई डबल एफ इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला इफ़ है, इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू जीरो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट। देखिए ऊपर की जो चार लाइन है वो हर जगह सेम है, हम लिख रहे हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं। तो द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन डिफाइंड ऑन ई कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू जीरो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एंड सच दैट। जो एक एफ एन है फंक्शन का जो ई पर डिफाइंड है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा ई पर यदि और केवल यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू जीरो के लिए वहाँ पर एक इंटीजर एन इस प्रकार का होगा कि सच दैट, इस प्रकार का होगा कि, कंडीशन क्या है मॉड में। और देखिए आप भी एग्जाम में ये ब्लैक और ब्लू का यूज़ करना अच्छा दिखता है, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन, जहाँ पे एन और एम दोनों जो है वो ग्रेटर और इक्वल है कैपिटल एन के और एक्स बिलोंग करता है ई को। सीक्वेंस एफ एन सेटिस्फाइड कॉशी इक्वेशन है ना, हमने बताया कि जो सीक्वेंस एफ एन है ये कॉशी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो अब प्रूफ करते हैं, नेसेसरी कंडीशन करते हैं, प्रूफ में आते हैं। सपोज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई, हमने मान लिया कि एफ एन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ई पर, लेट एफ बी द लिमिट ऑफ एफ एन देन बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर टू जीरो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट। तो वहाँ पे एक इंटीजर एन इस प्रकार का होगा कि मॉड में एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन, है ना, यह भी हमने देख लिया। अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो एप्सिलॉन अपॉन टू से भी छोटा ही होगा, छोटे से और छोटा कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल एन बिलोंग एन इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एन और एक्स बिलोंग कर रहा है ई को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। फॉर एम स्मॉल एम इज ग्रेटर इक्वल टू एन वी हैव, हमारे पास है कि एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स, अभी यहाँ एन एक्स लिया, यहाँ एम एक्स ले रहे हैं ना, एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू, यहाँ पे भी सेम एफ एन एक्स था, यहाँ एफ एम एक्स लिया, इसको इक्वेशन नंबर वन बोला, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दिया। अब कंसीडर करो एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, करो एफ एन एक्स और एफ एम एक्स को माइनस करना है तो हम क्या करते हैं, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ एम एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। देखो एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स है ना, ये दो चाहिए तो हमने एफ एक्स एक बार माइनस का लिख दिया, एक बार प्लस का लिख दिया, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बात तो वही एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स। तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया कि एक बार एफ एक्स को माइनस और एक बार एफ एक्स को प्लस करके लिख दिया साथ में, कि जिसका मतलब भी कुछ नहीं है और हमारी इक्वेशन भी बन जाएगी। तो हमने यहाँ लगाया लेस और इक्वल का साइन, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है ना, ये वाला मॉड खत्म कर दिया। अब ये हमने क्यों किया, जब एक ही मॉड में थे, जब हमने दो मॉड ले लिए इनको अलग अलग कर दिया तो हमने यहाँ माइनस इक्वल का साइन लगा दिया, स्मॉल और इक्वल का साइन लगा दिया, फिर प्लस की जगह प्लस लिख दिया, एफ एक्स माइनस एफ एम एक्स लिख दिया। अब ये हमारी एक तरीके से इक्वेशन बन गई। तो लेस इक्वल टू एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स, ये भी है एप्सिलॉन बाय टू, ये भी है एप्सिलॉन बाय टू बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एप्सिलॉन बाय टू आधा एप्सिलॉन और आधा एप्सिलॉन जुड़ के पूरा एप्सिलॉन बन गया एप्सिलॉन। तो दैट इज एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम बिलोंग, एन एम जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एन के और एक्स बिलोंग करता है ई को। ये हो गया प्रूफ। तो ये बहुत ईजी भी था और अच्छा भी लग रहा था देखने में भी और करने में भी। अब आते हैं हम अगले पे। अभी जो कंडीशन हमने लगाई जिससे हमने ये प्रूफ किया वो थी नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक स्थिति थी। अब हम लगा रहे हैं सफिशियंट कंडीशन। सफिशियंट कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि अज्यूम दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर टू जीरो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट।
एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन, जहाँ पे एन एम ग्रेटर इक्वल है एन के और एक्स बिलोंग करता है ई को, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, अभी सफिशियंट कर, अब क्योंकि बार बार यही यही लाइन बोल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ, पॉज करके आप अपना लिख लेना और फिर उसके बाद आपको खुद वही चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम रट जाएगी। दैट इज़ सीक्वेंस है एफ एन सेटिस्फाई कॉशी कंडीशन, हमने कहा पहले भी हमने स्टेटमेंट में ही कहा था कि वो कॉशी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देन बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ई टू अ लिमिट फंक्शन एफ। नाउ वी हैव टू शो दैट कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, अब हमें क्या शो करना है कि जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म होगा। फिक्स एन एंड लेटिंग एम टेंस टू इन्फिनिटी इन थ्री वी गेट, एन को फिक्स करते हैं और एम की जगह पे इनफाइनाइट रखते हैं तो इक्वेशन 3 में क्या होगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स जहाँ पे एम जो है इन्फिनिटी लेस इक्वल टू एप्सिलॉन है ना, अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन जहाँ पे एन ग्रेटर इक्वल है एन के और एक्स बिलोंग करता है ई को। तो सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ बाई डेफिनेशन, ये क्योंकि ये वाली लाइन बन गई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस इक्वल टू एप्सिलॉन और ये वाली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस की इक्वेशन थी तो हमने कहा कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेस हो गई और ये बाई डेफिनेशन है। और अब क्या हो गया, हमने नेसेसरी कंडीशन और सफिशियंट कंडीशन दोनों बता दी है। नेक्स्ट थ्योरम जो है एम टेस्ट वाली, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो जितना आज हमने 3-4 टॉपिक देखे हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए, इसे पार्ट 1 नाम दे दूंगी और अगला पार्ट 2 आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो हम किसी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, पूरा करेंगे चाहे हमें 2 या 3 पार्ट करने पड़े। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।